गीजर के इनलेट पाइप की जगह पे इस तरीके का जो वाल्व लगा होता है, इसे हम प्रेशर रिलीज वाल्व कहते हैं। इस वाल्व के अंदर में हमें एक स्प्रिंग देखने को मिलता है, जो कि एक बैक साइड से स्क्रू की मदद से टेम्परेचर के हिसाब से कंपनी ने सेट करके दिया होता है। और जब गीजर के अंदर में ऑटोमेटिक थर्मास्टेट और मैनुअल थर्मास्टेट दोनों काम करना बंद कर देता है, तभी यहाँ से ओवरहीट होने की वजह से प्रेशर को रिलीज़ करता है, तो ये टैंक को फटने से बचाता है। ये वाल्व बहुत ही यूज़फुल होता है।